सलाम आदाब नमस्कार, मैं अनस फारूकी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की गेट नंबर 8 पर जहां इंट्रेंस चल रहा है बीएससी मैथमेटिक्स का, उन तमाम स्टूडेंट्स से हमने बात की कि उनका पेपर कैसा गया, पेपर का पोर्शन क्या था, क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से कवर किए गए थे और भी बहुत कुछ। मेरा नाम आयशा है। कहाँ से आप? यहीं जसोला रहती हूँ। कौन सा पेपर था? मेरा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। कैसा गया? अच्छा गया, ठीक गया। टॉपिक कहाँ कहाँ से कवर किए गए थे, क्वेश्चंस को बता? एक तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और जनरल अवेयरनेस वगैरह, और इतने मतलब मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन थे। नेगेटिव मार्किंग जी 0.25। तो सबसे अच्छा कौन सा पोर्शन गया आपका, जिसपे आप? जनरल अवेयरनेस सही था, मैट्रिसेस सही था, इंटीग्रेशन थोड़ा ख़राब गया। जनरल अवेयरनेस में से कुछ क्वेश्चन वगैरह बता सकते? जनरल अवेयरनेस याद हो ऐसे तो? हाँ, मतलब कि सिनोनिम एंटोनिम ये सब पूछा गया था। अच्छा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे आप? जी जी। तो लगा कि थोड़ा बहुत सिमिलर है? हाँ हाँ, थोड़े रिपीटेड क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के थे। अच्छा, जो लोग आगे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे तो वही कर लें तो काफ़ी है। कोई बुक वगैरह सजेस्ट कर सकती हैं? मैंने तो प्रीवियस नेट से करा था, गूगल से। जी, मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन हो गया। कहाँ से आप? बरेली शरीफ। आपका नाम? मोहम्मद फैजान। कौन सा पेपर लेके आया जी? ये जामिया का बीएससी ऑनर्स पेपर, 27 क्वेश्चन किए मैंने। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह? 0.25। तो पोर्शन और टॉपिक्स कुछ बता सकते हैं आप, कैसे कैसे क्वेश्चन? जैसे कॉनिक सेक्शन और वेक्टर अगर अच्छे से कर रखा है, और रीजनिंग तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे? हाँ, 5 के लगाए थे। क्या थोड़ा सेम था पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की? हाँ, काफ़ी करीब, मान लो 6-7 क्वेश्चन सेम थे। आने वाले वक्त में जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं आप? मेहनत करो, बस हो जाएगा। कुछ बुक सजेस्ट या कोई कोचिंग वगैरह? आर डी शर्मा। बहुत बहुत ताना है। मैं दिलशाद गार्डन दिल्ली से। कौन सा पेपर था? बीएससी ऑनर्स मैथ्स। कैसा गया? अच्छा गया। कुछ टॉपिक्स कहाँ से कवर किए गए थे, क्वेश्चंस? सभी टॉपिक्स से, ऑलमोस्ट सभी तरीके से कवर कर रखा था। ऐसा कुछ था नहीं कि ज़्यादा वेटेज किसी की थी, और इजी क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड नहीं थे। बायनॉमियल के थोड़े से टफ क्वेश्चन थे और कोनिक वगैरह के, बट मोस्टली इजी थे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में आपने कितने अटेम्प्ट? 60 जी। और निगेटिव मार्किंग थी? जी जी थी। सबसे ज़्यादा आपको किस पोर्शन पे कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा सबसे अच्छा है? मेरे को मैथ्स में कॉन्फिडेंस है कि मैथ्स सबसे सही होगा, क्योंकि इसमें रीजनिंग और जीके भी थी, वो थोड़ी सी वीक है। अच्छा, जीके का एरिया क्या क्या था, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से? G20 वगैरह से आए थे, और IPL वगैरह जो भी करंट में चल रहे हैं उनसे आए थे। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे? जी जी। तो लगा कि थोड़ा बहुत सिमिलर या चेंज था? सिमिलर था, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था। हाँ, ईजी था। और अच्छा, आने वाले वक्त में जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहें? पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली करें, और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बेसिकली सारे के सारे, तो हो जाएगा। चलिए, मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत। का नाम? कृतार्थ वर्मा। कहाँ से आप? कानपुर, उत्तर प्रदेश। कैसे, कौन सा पेपर था? BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। कैसा गया? ठीक गया, मतलब मीडियम। कुछ पोर्शन किस किस टॉपिक से कवर किए गए थे, कुछ क्वेश्चंस बता सकते? AP GP से थे, रीजनिंग थी, इंग्लिश थी, और ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, इनवर्स, और ऐसे ही सेट थ्योरी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में कितने अटेम्प्ट किए आपने? अटेम्प्ट 70 या 72 के आसपास की थी। निगेटिव मार्किंग थी? हाँ, 0.05। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपका पोर्शन कौन सा अच्छा गया, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है? मैट्रिक्स अच्छी गई है, डिटरमिनेंट और इनवर्स एंड रीजनिंग लैंग्वेज, और वो अच्छी गई है, सेट थ्योरी। अच्छा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे? हाँ। तो उसके एरिया क्या क्या थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कवर किए गए थे? फिल्म फेयर अवार्ड्स का एक क्वेश्चन था, और G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एंड एक क्वेश्चन था क्रिकेट से, IPL से, 2023 के IPL से रिलेटेड था ऐसे। अच्छा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे आपने? नहीं। और तैयारी वगैरह आपने कहाँ से की थी, कोचिंग या? सेल्फ स्टडी।
जो लोग आने वाले वक्त में तैयारी करना चाह रहे हैं इसकी, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहेंगे? मतलब बुक्स वगैरह कुछ सजेस्ट कर सकते हो? आर डी शर्मा है मैथ की, और आर एस अग्रवाल एन सी आर टी से बहुत कम है। चलिए ठीक है, मैं दुआ करूँगा। थैंक यू। आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल समद है। कहाँ से आप? जी मैं गाजियाबाद से आया। कौन सी पेपर? बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। कैसा गया? पेपर बहुत आसान था, वो जो पीवाईक्यू से कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे जो पिछले साल से आए थे पीवाईक्यू। हाँ, जो रिपीट हुए थे। आपने अटेम्प्ट कितने किए थे? अटेम्प्ट मेरे 41 से 45 करीब। नेगेटिव मार्किंग थी? नेगेटिव मार्किंग थी उसमें 0.25 के नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव यानी कि मैथमेटिक्स एक तो, और रीजनिंग के थे, और करंट अफेयर्स थे इस साल क्वेश्चन। पिछले साल वो नहीं थे उससे, पर इस साल थे करंट अफेयर्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस किस पे कि ये मेरा सबसे अच्छा गया हो? कॉन्फिडेंस तो सबसे अच्छा एक तो वेक्टर गया, और इंटीग्रेशन और कॉनिक सेक्शन बहुत अच्छा गया। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे थे आप? हाँ, मैंने देखे थे, अब से 4 से 5 साल के वो देखे थे मैंने पीवाई। लगा कि सेम है या फिर चेंज है? सेम नहीं, 6-7 क्वेश्चन थे जो थे उससे। हाँ, वो थे रिपीट थे उसमें। जो लोग आगे आने वाले वक्त में तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ये है कि 4-5 वो हैं चैप्टर के नाम है 4-5। एक तो है कॉनिक सेक्शन, और है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन और मैट्रिक्स और वेक्टर आ जाओ तुम्हारे उसमें से ही 20 से 25 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। और कोई बुक वगैरह सजेस्ट कर सकते हो? बुक्स तो मैं एनसीईआरटी तो हो नहीं चाहिए पहली बात तो, पर इसमें एनसीईआरटी नहीं आती आपको, आपको इसमें अगर इसमें चाहिए आपको सिलेक्शन तो जेई मेंस लेवल का तो करना पड़ेगा। तैयारी करनी जी। चलिए मैं दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन होगा। आपका नाम? रिजवान खान। कहाँ से आप? बरेली यूपी। कौन सा पेपर था? बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। कैसा पेपर गया? पेपर सही था, नॉर्मल था, ठीक था पेपर। और क्वेश्चन पेपर में कैसे सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए थे, फॉर्मेट वगैरह? उसमें कॉनिक सेक्शन ज़्यादा था, और प्रोबेबिलिटी थी, और जो है पैराबोला एलिप्स वगैरह इसके इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन थे, और जो है रीजनिंग में जनरल साइंस ज़्यादा थी, इसीलिए रीजनिंग ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाई। रीजनिंग में जनरल साइंस ज़्यादा थी, करंट अफेयर्स वगैरह। तो सबसे अच्छा कौन सा क्वेश्चन गया? रीजनिंग का ही गया था, मैथ्स का इतना अच्छा नहीं गया यार। सही गया था मैथ्स का भी, लेकिन रीजनिंग ज़्यादा सही गई थी। मैथ्स में टॉपिक वगैरह किससे कवर किए गए थे? मैथ्स में उस पर कॉनिक सेक्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन के ही थे। दो क्वेश्चन सेम थे मैथ्स के बस जी। और कोचिंग वगैरह तैयारी आपने कैसे? अब खुद पढ़ी है एक रात पहले बस। जो लोग आने वाले वक्त में तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहिए? उनके लिए पीवाईक्यू से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस साल 2-4 आए थे, पहले काफ़ी आए हैं तो हमने तो की नहीं है तैयारी, बाकी जो करें कर लें जैसे चाहें वो। चलिए ठीक है, मैं दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन।